इनसे मिलिए, ये है हमारा भारत देश की थप्पर वुमेन। कुछ दिन पहले मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल करके भारत का नाम रोशन किया, फिर प्रिया मलिक ने रेसलिंग पर गोल्ड मेडल हासिल करके भारत का नाम रोशन किया। इसीलिए ये मामू ने भी सोचा क्यों ना हम भी कुछ अलग कर लें। उसके बाद इस बात को अपने गोबर भरे माथे पर लेकर कुछ अलग करने के लिए रास्ते पर निकल पड़े और कुछ अलग करके भी दिखाए। चलिए देखते हैं। अभी आपने देखा कि ये थप्पड़ मन कैसे रोड को क्रॉस कर रहा था और एक कार को भी थमाया। अभी आप देखिए कुछ अलग करने के प्रयास। और देखिए इस ड्राइवर का कोई भी दोष नहीं है, यह पर यह बंदर जैसे मुंह वाले लड़की ने ग्रीन सिग्नल पर रोड को क्रॉस कर रहा था। आप देखिए इंटरव्यू में ये लड़की क्या बोलता है। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने, क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। अरे कहना क्या चाहते हो? सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी, शरीर पे चोटें लगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अबे हम सब तो अंधे हैं, मुझे तो लगता है थप्पड़ मार मार के हाथ का ऐसा हालत हुआ है। आप बस ये समझ लीजिए आपने थप्पड़ मारा इसके बाद भी आपका ऐसा हालत है। अगर भाई ने आपको एक थप्पड़ मार देता तो फिर आपका हालत कैसा होता? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमेशा आदमी का ही दोष नहीं होता, कभी कभी औरत का भी दोष होता है। मेरी तरफ से आप लोगों को बस यही बोलना है कि जैसे इस दुनिया के हर आदमी राम नहीं होता, कुछ रावण भी होता है, उसी तरह इस दुनिया के हर औरत सीता नहीं होता, कुछ रावण की बहन शूर्पणखा भी होता है।